कपड़े वगैरह पकड़े हो जाए आज तो यार बरसात का मौसम है। सो गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू विवेकाना। अभी बज गए सुबह के 12। मैं रेडी हो गया था, टाउन कॉल वगैरह चलने लगी थी। ऐसा नहीं कि मैं लेट निकला हूँ, काफ़ी टाइम पहले जो है हमारी ड्यूटी स्टार्ट हो गई थी, कुछ काम वाम करने लग गया था मैं। एंड आज का सीन ये, सुबह सुबह स्नेहा ने डांट लगा दी अच्छी वाली। स्नेहा बोलती है डेली डेली बाहर खाना खाते हो, उसके बाद में फिर बोलते हो कि मेरा पेट ख़राब हो गया है, ये दुख रहा है, वो दुख रहा है। तो स्नेहा ने आज मेरे को सुबह सुबह जो है रोटी सब्ज़ी बना कर दे दी, बोले खाना खा के जाओ। तो खाने में हमने खाया है मस्त एकदम काकड़ी की सब्ज़ी, गर्मा गर्म रोटी। फिलहाल सीन ये है कि अभी फील्ड पर तो आ गए हैं, लेकिन अभी मैं लक्ष्य से अभी तक मिला नहीं हूँ। तो आज फिर जो है बीकानेर को वार्निंग मिली हुई है बारिश को लेकर के। मौसम बहुत शानदार हो रखा है, लेकिन शानदार होने के साथ साथ में इतना ज़्यादा शानदार है कि ऐसा लग रहा है कि बहुत तेज़ बारिश आई तो प्रॉब्लम हो सकती है। एक्चुअली क्या होता है कि घर बैठे लोगों को दिक्कत नहीं होती, दिक्कत होती है जो बाहर फील्ड में रहते हैं। कस्टमर के पास में हम आए हैं इनकम टैक्स ऑफिस के पास में। क्या ऑफिस बंद तो नहीं है? आप चलो आप ऑफिस। फिलहाल करंट लोकेशन है वल्लभ गार्डन, कस्टमर के पास आए थे, यहाँ से फ्री हो गए हैं। अब सीन मेरा तो ये है, फिलहाल कितने बज गए, 4 बज रहे हैं करीब, 4:45 बज गए। मेरा तो घर जाने का मन है क्योंकि थक गए यार आज काफ़ी, वही घूमते काफ़ी घूम लेते हैं। लक्ष्य से पूछते हैं क्या करना है, विजिटें मारनी है और घर चलें। ये साला काम का पक्का है। फिलहाल सीन ये, हम निकल तो रहे थे एक जगह के लिए, मतलब फील्ड में जा रहे थे कस्टमर के पास में। लक्ष्य को देखी कुंभी, तो लक्ष्य बोल रहा है कि 800-900 रुपये किलो है, मैं कह रहा हूँ 300-400 रुपये। अब देखते हैं क्या भाव है। 1000 रुपये किलो है, 1000 रुपये किलो है। ओ भाई साहब, जैसे इसकी प्राइस जो है अभी आप बता रहे हो 1000 रुपये किलो है, 250 देते हो, 1000 में किलो देते हो या किलो में कुछ कम लगा देते हो? क्या भाव पड़ती है किलो में? किलो में 800 रुपये पड़ेगी, 800 रुपये किलो पड़ती है। और ऐसा कोई समय आता है जब आप इसकी प्राइस कम हो जाती है? सावन के आधे महीने के बाद प्राइस बढ़ जाती है इसकी, घट जाती है इसकी। तो सावन तो ख़त्म ही हो गया, अब तो ये लास्ट घूमी है, इसलिए प्राइस बढ़ी हुई है। 250 ही भाव है, 4000 समझ रहे हो आप। हालांकि कुंभी हम खाते नहीं है, लेकिन बस वो है पता कर रहे हैं इसको खानी थी कुंभी। यस, तो आगे पूछने के लिए लेनी है किधर को? वैसे यार लेगा नहीं तो फिर बिकेगी कैसे? 800 रुपये तो लेगा नहीं तो बिकेगी कैसे? ये 800 रुपये की, 800 रुपये किलो तो है, ज़्यादा थोड़ी महंगी है, है तो हल्की ना ही। वैसे किलो में कितने तुल जाती है? 40-50 पीस। और कितने जने की सब्जी बनती है किलो में? ये अरबी नहीं होती क्या? अरबी जैसी है क्या? अरबी जैसे छोटी छोटी काट के। तो चलो कुंभी के भाव पता कर लिए, हम निकल रहे हैं वापस। सेठ जी ने ली नहीं हमारा कुंभी, ये लेना है मेरे को। गाइस फिलहाल सीन ये है, बारिश स्टार्ट हो गई है अच्छी वाली। अब मैं जाऊँगा कैसे घर, ये इसका तो मज़े हैं यार। तो मार्केट में घर इसका, ये तो फट मार्केट से निकल घर आ गया अपने। अभी देखो अपने हो गए गीले मस्त एकदम। मैं तो कह रहा हूँ घर बाहर जाओ। नहीं घर नहीं, फिर मेरे को और दिक्कत हो जाएगी अगर ज़्यादा बारिश आ गई तो, फिर ज़्यादा परेशानी। तो गाइस फिलहाल घर पे आ गए हैं, एंड अभी बज गए 6:15, मतलब 6:15 हो गए हैं। और भाई आपका पूरा गीला हो गया है, हम देख लो ठीक है, अच्छी खासी बारिश। और यार एक चीज़ बताऊँ, बढ़िया इतना अच्छा मौसम है ना, सुबह से मज़ा आ गया कसम से। ऐसा मौसम में काम करने में मज़ा आता है। हाँ अब देखो ऐसा घूमने फिरने से बंदा थक तो जाएगा, थकते तो हैं, ऐसी बात नहीं है। अब आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, देखो गिन्नी है ना, उसको देखो इतना शोर कर रही है, शायद उसको भूख लगी हुई है। तो उसका देखता है खीरा, और आप देखो कितना शोर कर रही है, जब तक खीरा गाइस। फिलहाल सीन ये है कि यहाँ गिन्नी को खाना दे दिया है, और इसने मेरे को डरा है, वो स्टोर छुपी हुई थी, मैं फिर से निकाल लेता, मैंने डर लगा ही नहीं मेरे को, इतना डरा नहीं मैं, झूठ बोल रही है, झूठ बोल रही है।
खत्म हो गए डरा दूंगी इधर पोपट हो गया मेरे वीडियो बन गया अरे अरे मेरा पोपट नहीं हुआ आप डर गए थे वो आपका पोपट हो गया एक घंटे से आए अंदर में कब से डर घर में लगने लगी थी फिलहाल जो है कुछ खा लेते भूख लगी कुछ होना तो पकड़े पकड़े आज पकड़े वाले मौसम बढ़िया है रोटी खाओ ये की सब्जी है रोटी खाओ तो गाइस फिलहाल सीन ये है कि घर पे तो आ गए हैं लेकिन घर पे आने के बाद में जो है हमें देखने को मिला हमारे माता राम जो है मस्त मंजन कर रहे हैं कोलगेट वाला मंजन कर रहे हैं दिमाग मतलब मंजन से जो है बर्तन साफ कर रहे हैं भगवान के बर्तन साफ नहीं ये पाउडर है मंजन ही है ये मंजन ही तो ये क्या है बताओ गाइस बताओ ये क्या है बताओ ये मंजन है क्या है कोलगेट पाउडर है तो मंजन ही तो बोलते हैं इसको अपन तो इससे करते हैं मंजन क्या होता है मंजन ही होता है दंत मंजन बोलते हैं इसको ये लगा रही आटा मंजन खत्म हो गया हमें हो गया घाटा हाँ खाखरा भुजिया खा लो क्या खाखरा भुजिया खा लेता हूँ चलो तो स्नेहा ने बोल दिया खाखरा भुजिया खा लो हैं आज क्या है ठीक था कुछ और खाने का हुआ नहीं सीन बना नहीं फिर और कुछ नहीं खाया मैं गाली खा लूंगा लेकिन वीडियो तो बनाते बनाता हूँ अगर बाहर कुछ खाऊंगा तो कुछ खाया नहीं मैंने तो फिलहाल जो है मस्ती खाखरे इतने से बच्चे कल ये पूरा टोपिया भरा पड़ा था और इतने खाए रात तूने खाए सबसे ज्यादा तूने खाए स्नेहा झूठ मत बोल पूरा भरोड़ो पड़े हुए तो अभी जो है थोड़े से खाखरे खा लेते हैं और साथ में भुजिया ले लेंगे स्नेहा ने खाए सारे नीतू का रहा वा नीतू का रहा है कंपनी से निकलना फिलहाल जो है हम निकाल रहे हैं मौसमी का जूस और इसको देखो कूलर के नीचे बैठी जा करके इसने पहले खा ली मौसमी ये जो मौसमी का जूस निकालने के बाद वो निकलती है ना उसकी गिरी वो खा ली एक ग्लास जूस निकाल दिया हमेशा अभी जी को इकट्ठा करके देती हूं एक ग्लास जूस निकालो दिखाओ मेहनत की जो दिखाओ मैंने एक कटोरी हमेशा अभी जी को देती हूं गिरी निकाल के इसमें मम्मी जी कहते हैं फाइबर होता है तो मैं कहीं ही खा लो रुक जा रे दिखा बाबू वहां से बना जी को दिखा मैंने बने तू अगले मैं कटो बाबू के लिए हमारा तो ये बाबू के लिए बना दिया हमने अब बना रहा हूँ मम्मी और स्नेहा के लिए तो गाइस फिलहाल जो है बन रही है मस्त वाली सब्जी अब ये सब्जी का अभी तो ये ऐसा रूप है अब ये कैसी बनेगी ये थोड़ी देर बाद बताएंगे इसके अंदर लौकी कस के डाली हुई है अच्छा बेसन दही अच्छा लौकी पतोल है आज तो ये बेसिकली सब्जी है लौकी पतोल मतलब के पतोल की सब्जी तो हम खाते हैं ये ठीक है जो अपने बेसन से बनती है इसमें लौकी को जो है कस कर कद्दूकस करके लौकी को भी इसमें मिक्स कर दिया और अब इसके जो है उसको डालेंगे डालेंगे ना इसको हाँ जो ठंडा करके इसकी कसली बनाएंगे सब्जी बनाएंगे सब्जी बताना सब्जी दिखाते हैं सब्जी बताना तो बस फाइनल जो आउटकम आया है सब्जी का दिखा देता हूँ आपको मैं ये दिखने में ऑर्डिनरी जो पतोल की सब्जी वैसी दिख रही है लेकिन अंदर से ये पतोल नहीं है अंदर से ये है घी वाला पतोल तो इसमें जो है घी को घिया घस कर करके इसमें डाला गया पतोल के अंदर में और ये सब्जी बनाई गई है दिखने में बहुत शानदार लग रही है मेरे को तो ये अब देखते हैं खाएंगे तो पता चलेगा फिलहाल चलते हैं दूध लेने के लिए बट उससे पहले गिन्नी को देखे जिम्मण गिन्नी को देखे खीरा ले मेरे बेटे देखो जैसे पिंजरे के पास आते हो ना मुंह देखना कैसे कर लेते हैं ले ले गिन्नी ले 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 तो गिन्नी सुबह फिलहाल आ तो गए दूध लेकर के एक दिक्कत ये हो गई अपने वो गिले निकला तब एकदम बेबी शॉवर होते ना जैसे बूंदी बूंदी निकल के लिए वैसी बारिश थी आगे थोड़ा सा गिर गया 500 मीटर तो बारिश बढ़िया चालू हो गई थी तो पूरे गिले हो गया जो चेंज वेंज कर लेते हैं उसके बाद आते हैं खाना खाने के लिए भूख बची लग गई क्योंकि अभी बच गए 9 सुबह फिलहाल जो है हमने खाना लग गया हमारा और हम खा रहे हैं खाना एंड खाने में आपको जैसा बताया था वैसे मतलब बनी है मस्त
लौकी और पतोल की सब्जी, पतोल के अंदर लौकी मिक्स की गई है और साथ में गर्मा गर्म रोटी। सब्जी थोड़ी सी मेरी जो सब्जी प्लेट के अंदर में फैल गई है। एंड अब देखो टेस्ट करते हैं खाना जो मम्मी ने सब्जी बनाई है कैसी बनी है। एक बाइट लेते हैं फिर फ़ोन रखते हैं अपने, फिर देखेंगे न्यूज़ साथ में। न्यूज़ देखते देखते खाना बहुत अच्छा लगता है मेरे को, अपडेट मिल जाती है और जिसोर हो जाता है खाने का भी। ऐसे फ्री बैठ करके खाना खाना मेरे को बहुत अच्छा लगता है। पतोल की सब्जी हमेशा खाते ही नॉर्मल होती है, ये अलग है। मम्मी मम्मी सब्जी मस्त है एकदम, बहुत शानदार है। तो गाइस खाना वाना हो गया अपना, आप करने बैठ रहे हैं एडिटिंग और इसको देखो महारानी को कैसे पड़ी है और लाते मार रही है पीछे से मेरे को ये। सो फिलहाल इस वीडियो करते हैं पैंड, अगर वीडियो चला गया तो लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक टाटा बाय, गुड नाइट। अपना और अपनों का ध्यान रखो।